होई धर्म की हानि, पाढ़ल असुर अधम अभिमान। और बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, और आई हरही दुख सज्जन पीरा। महाराज जब इस भूतल पर पाप अत्याचार ज्यादा बढ़ जाता है, तब तब प्रभु को अवतार लेकर के आना पड़ता है। और महाराज ऐसा ही नहीं, इधर कुंभकर्ण और दशकंधर का पाप अत्याचार ज्यादा बढ़ गया है, सारे देवता घबराने लगे। महाराज ऋषि वृंद घबरा रहे हैं, इतना पाप अत्याचार दशकंधर कुंभकर्ण का बढ़ गया है, ऋषियों मुनियों को ये निशाचर यज्ञ नहीं करने दे रहे हैं। मेरे भाइयों इधर इतना अत्याचार जब इनका बढ़ गया, और एक बात मैं आपको बता दूं कि जो अयोध्या है ना, अयोध्या इस अयोध्या में बिना प्रसाद और बिना यज्ञ के किसी राजा के संतान नहीं हुई। क्यों? क्योंकि महाराज ये अयोध्या श्रापित थी, इसको देवता लेकर के आए। महाराज इधर है जो अज हुए हैं, महाराज अज के भी कोई संतान नहीं हुई। अबधपुरी में जो महाराज अज हुए हैं, महाराज अज के भी कोई संतान नहीं हुई। तो महाराज अज ने सोचा कि मुझे पुत्र यष्ट यज्ञ करवाना चाहिए। और जब महाराज अज ने ये विचार किया तो अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया, और कुल गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया तो वशिष्ठ जी को बुलवा करके इन्होंने पुत्र यष्ट यज्ञ करवाया है। और महाराज जब यज्ञ संपन्न हुआ, तब महाराज अज वशिष्ठ जी से कहने लगे, गुरुदेव यज्ञ तो संपन्न हो गया है, अब आप यज्ञ की दक्षिणा मांग लो। तब ये बात कही कि यज्ञ संपन्न हो गया, अब आप हमसे यज्ञ की दक्षिणा मांग लो। वशिष्ठ जी कहने लगे, राजा मुझे दक्षिणा में कुछ भी नहीं चाहिए। महाराज आज कहने लगे, गुरुदेव आपने यज्ञ किया है तो यज्ञ की तो दक्षिणा बनती है। तो जवाब दिया राजन, अगर आप हमें यज्ञ की दक्षिणा देना चाहते हो तो यज्ञ की दक्षिणा में मुझे वही चाहिए जो आपने अपने पूरे जीवन में अपनी मेहनत से कमाया हो। दक्षिणा में मुझे वही चाहिए जो आपने पूरे जीवन में अपनी मेहनत से कमाया हो। महाराज वो तो राजा हैं, उनको कार्य करने की क्या जरूरत है? जिसके यहाँ पर दसियों हजार नौकर काम करने वाले हो, आखिर उसे काम करने की क्या जरूरत है? तब वशिष्ठ जी ने जो ये शब्द कहे हैं, तो महाराज आज कहने लगे हैं कि गुरुदेव अगर आपको हमारी मेहनत की दक्षिणा चाहिए तो उसके लिए